शिखर के कुछ दोस्तों ने आबिद शिखरी ने बताया था कि सेंटर शिखर के ऊपर जो है पुराना फोर्ट है, जो असली फोर्ट था वो इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद था। और ये तकरीबन हम 1.5 से 2 घंटे इंतहाई मुश्किल तरीन ट्रैक करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। नहायत ही यहाँ पे दुख हुआ है हमें इस उजड़े दियार पे। कभी यहाँ पे पूरी सल्तनत शिखर का वाली हुक्मरान और राजा यहाँ पे हुआ करता था, उसका महल यहाँ पे आबाद था, कनीज़ें गुलाम और जो है उनका दरबार लगा हुआ होता था और यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई होती थी। लेकिन आज जो है ये बिल्कुल उसके आसार मिट चुके हैं, पत्थर जा बजा बिखरे अपनी मजलूमियत की और अनकही दास्तानें यहाँ पे बयान कर रहे हैं। यहाँ पर रिहाइश पजर हुआ करते थे आज से 800 साल कब की बात है। और नीचे जो महल था वो उनका रफाई महल हुआ करता था, रफाई महल हुआ करता था, उनसे रिफाई परपस के तहत बनाया गया था। यहाँ पर हमला करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलंदी पर बाकी है, उससे कोई प्री प्लान रास्ता इस महल तक जाने के लिए। इस जगह पे जो महल तामीर करने का मकसद हमारी समझ में आया है वो ये है कि ये इंतहाई दिफाई लिहाज से नहायत ही अहमियत की हामिल जगह थी, क्योंकि यहाँ तक गुजरने के लिए यहाँ मुखालिफ जो राजाएं थे या जो मुखालिफ कुवतें थीं उनको हमला करने में नहायत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता बाकायदा नहीं। शिखर का नजारा कर सकते हैं। दुश्मन की फौज जब भी शिखर पर हमलावर होते थे तो वहाँ सामने चोटी पे जो शिखर की फौज होती थी वहाँ पे राजा की, वो वहाँ से अलाव जलाते थे, वो यहाँ से सीधा यहाँ नजर आते ही वो यहाँ पे अपनी हिफाजती इकदाम तेज कर लेते थे और यहाँ तक जो फौज पहुँचते थे फिर यहाँ से उनके हमलावर होने में आसानी होता था। चंद टेकरियाँ लोगों ने बनाई हुई है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं उन्होंने बनाई है कि यहाँ पे कभी किला हुआ करता था। अगर दूसरी जानब देखें तो ये पीक पे भी एक कुछ सयाहों ने टेकरी बनाई है और ये सयाहों का कमाल है कि वो इस जगह तक पहुंचे, इस जगह को ट्रेस आउट किया है। अगर हम इसके लेफ्ट बैंक पे जाएं इस फोर्ट के, तो आप देख रहे हैं कि नीचे बिल्कुल खतरनाक तरीन जो है खाई है और नीचे दरिया नीचे बह रहा है। यहाँ से अगर आदमी मामूली सी एहतियात न करे तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल सकती है। और अगर हम फ्रंट की तरफ थोड़ा सा ट्रेवल करें तो यहाँ पे भी हर जगह पे पत्थर जा बजा बिखरे पड़े हुए हैं और ये पत्थर जो है उस जमाने से यहाँ पे हैं और यहाँ जो इस किले पे गुजरी है इम्तदाद ज़माना और मौजूदा जो राजा ख़ानदान के वाली वारिस हैं, चश्म चराग हैं, उनकी बेहिसी और महकमा आसार कदीमा की गफलत कहें तो अगर इस जगह को आबाद किया जाए, यहाँ पुराने तर्ज पे किला तामीर किया जाए तो इस किले की मद में जो सयाह इसको देखने यहाँ पे आएंगे उससे आपको लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी हो सकती है। इस तरफ अगर हम देखें इस फोर्ट से ये जो नाला है ये भी इंतहाई खूबसूरत एरिया है और ये बताया जाता है कि यहाँ से ट्रैक है जो 3 दिन में जिला गांछे के खूबसूरत तरीन इलाके थले को ये ट्रैक जाता है और इस ट्रैक पे अभी बिजलीगर दो से तीन जो है तामीर किए गए बनाए गए हैं। अगर सामने हम इस किले से देखें तो पूरा शिखर जो है तकरीबन बादशाह बरालदू वैली और बर्फपोश चोटियाँ भी यहाँ से नज़र आ रही हैं और सामने की तरफ देखें तो शिखर की जो बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जरबा छो है लेक है ब्लाइंड लेक वो भी आपको सामने नज़र आती है और पूरा रेगिस्तान भी नज़र आता है और सिकरदू जाने वाली जो अकलौती सड़क है वो भी आपको नज़र आ सकती है।
बताया ये जाता है कि ये फोर्ट जो है तकरीबन 800 साल पहले तामीर किया गया था, जिसको वाली अशिगर ने तामीर करवाया था। और अब सूरत हाल ये है कि वाली अशिगर जो है सिटी शिगर के अंदर एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गए हैं, जो वहाँ पे उनका महल था, जो गरमाई जो कैंप ऑफिस उनका होता था उसको किसी बड़े होटल को उन्होंने डोनेट किया है, और उन्होंने उसी पुरानी हालत में उस महल को जो है प्रिजर्व कर दिया है, और वहाँ पे अब सयाहों की आमदरफ्त जारी है।